हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ये यूपी ट्रिपल एससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन परीक्षा में रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला हिंट हमारे पास होता है सिमेट्री को सॉल्व करने का, कि अगर मैं देखो नीचे की तरफ चलूंगा तो बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब मैं इसे नीचे की तरफ सॉल्व करूं। लेकिन एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में फंसाया है, प्रश्न को नीचे की तरफ सॉल्व नहीं करना, अगर करोगे तो टाइम वेस्ट करोगे और अपने दूसरे सवालों को करने का टाइम और वेस्ट कर दोगे। अगर मैं इस पांच में दो जोड़ दूंगा तो देखो सात बन जाएगा, याद रखना पांच में दो जोड़ के सात बनाया और पांच में से दो माइनस करके तीन बनाया, पांच में से दो माइनस कर दोगे तीन। अब देखना बीस में दस जोड़ के तीस बनाया और बीस में से माइनस दस करके मैंने दस बनाया, यानी कि जिस संख्या को जोड़ा है उसी को घटाया, जिस संख्या को जोड़ा उसी को घटाया। अब यहां देखो 95 से 145 कब बनेगा, जब 50 जोड़ोगे, जब 50 जोड़ा है तो 50 ही घटाओगे, तो 95 में से आप क्या करोगे 50 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 45 नहीं आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपके। तो यहाँ पे ये मैंने बहुत जल्दी करा दिया क्वेश्चन, वैसे इतनी जरूरत नहीं थी इसकी इतना जल्दी कराने की, लेकिन मैंने करा दिया क्योंकि आपको ना ये क्वेश्चन बनता नहीं था। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर जब वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, और हमारे इस मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में देखिए बड़ी संख्या तो ऐसा है नहीं कि किधर भी हो, लेकिन यूके वीडियो 2016 का ये सवाल जरूर है। अब यहां पर थोड़ा सा आप देखोगे ना, ऊपर की तरफ बड़ी संख्या आपको नजर आ रही होगी, 1, 6, 10, 6 (9) और 2, 3, 12 इस तरीके से, लेकिन प्रश्न में लॉजिक ही कुछ अलग है, ये तो सिर्फ और सिर्फ फंसाने के लिए है। आप देखिए ऐसे ही अगर क्वेश्चन को करें तो एक बार ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम जोड़ लें, क्योंकि बीच वाले कॉलम में तो क्वेश्चन मार्क है, 10 और 6 (16), 16 में एक जोड़ूंगा 17, तो इस वाले कॉलम का योग मेरे पास 17 आया है, 12 और 3 (15), 15 में दो जोड़ूंगा 17, इसका भी योग 17 आया है, तो भाई इसका भी तो 17 ही आना चाहिए, 9 और 6 (15), 15 में कितना जोड़ोगे कि 17 आ जाए, आप बोलेंगे तुरंत 7, 2 जोड़ देना है, हो गया सवाल खत्म, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये वीडियो के सवाल हैं जो आप 5 सेकेंड में, मात्र से मात्र 5 सेकेंड का टाइम लोगे इन्हें करने में, और इससे ज्यादा का वक्त अगर आप लगाते हो तो आपकी तैयारी अभी पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका यूजीपीएससी में पूछा गया 2016 का सवाल। अब ऐसे नीचे की तरफ इसमें बड़ी संख्या है तो आप ऐसे आसानी से नीचे की तरफ बना सकते हो, लेकिन 4 और 13 से कैसे 153 बनाए हम, क्या ऐसा करें कि 4 और 13 से 153 बन जाए। देखिएगा, अगर मैं यहां पे 4 का भी वर्ग कर दूं 13 का भी वर्ग कर दूं, तो पहले बड़ी संख्या का वर्ग कर लेता हूं 13 का, तो मैं 13 का अगर वर्ग करता हूं तो 169 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करता हूं तो 16 हो जाएगा, दोनों का अंतर कर देना है, यानी कि दोनों संख्याओं का वर्ग करके उनका अंतर कर दो, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा, देखो कितना आया 153, मुझे चाहिए कितना 153 ही तो चाहिए। वही लॉजिक आगे लगाइए, 11 का स्क्वायर कर दो, इस 11 का स्क्वायर वो 1 का स्क्वायर, दोनों का अंतर कर दो, 11 का स्क्वायर 121, अंतर कर देना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 121 में से 1 घटा दो 120 आ जाएगा, देखो मुझे कितना चाहिए था 120। वही लॉजिक यहां लगाओ, दोनों का स्क्वायर करके अंतर कर दो, तो 6 का स्क्वायर करूंगा 36, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 और अंतर कर दूंगा, तो 36 में चला जाएगा 4, तो आपके पास कितना बचेगा 32, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपका आंसर मिल गया। ये क्या है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। रीजनिंग बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन आप इसे पढ़ोगे ना ध्यान से, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत आसान लगेगा ये आपको। चलिए अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की खासियत यह है कि जब आप प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो यहां बटे में संख्या दी गई है, जब बटे में संख्या दी गई है तो बच्चों की थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ है इसमें है नहीं कि आपकी परेशानी बढ़ जाए। देखिए करना क्या है, 8, 6 / 2/4, ठीक है यही तो है, अगर इस 8 में से और इस 6 का मैं अंतर कर दूं, ध्यान रखना 8 में से माइनस कर देता हूं 6 को, जब मैंने 8 में से माइनस कर दिया 6 को तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा, 2 ही तो बचेगा, इतना तो कन्फर्म है 2 बचेगा, मुझे इतना पता लग गया। आगे की तरफ अगर मैं ध्यान देता हूं इसमें आगे की तरफ, कि अगर मैं 12 में से 5 माइनस कर दूं, देखिए जो मैंने यहां किया वही यहां करूंगा, अगर मैं 12 में से माइनस करूंगा 5 तो कितना बचना चाहिए, 12 में से 5 माइनस करूंगा 7 बचना चाहिए, लेकिन यहां पे तो 8 आ रहा है, ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए,
12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए, लेकिन यहां पे तो 8 आ गया। मतलब ये लॉजिक हमारा काम पूरी तरह से नहीं करने वाला, करने वाला है क्या? ये लॉजिक हमारा पूरी तरह से काम नहीं करने वाला। अगर लॉजिक काम में काम करता तो मुझे आगे भी वही काम करना पड़ेगा, 13 में से माइनस करूंगा 10 को, तो यहां पे फिर कितना आएगा? 3 आ जाएगा, जो कि आगे पॉसिबल नहीं है। 3 आएगा, 3 किसी ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लग रहा। यहीं से पता नहीं लग रहा कि इसमें करना क्या है। देखिएगा हमें करना क्या है इसमें, इस बात पर ध्यान देते हैं। मैंने क्या किया, 8 में से माइनस किया 6 को, इधर करते हैं। 8 माइनस 6 कितना बचा? 2। 8 माइनस 6 कितना बचा? 2। नीचे 4 भी तो है, इसका भी तो हिसाब लगाइए भाई। भाई नीचे जो 4 है इसका भी तो हिसाब लगाइए, आपको ये 4 भी तो चाहिए। तो 2 आया ना, इस 2 में कर दो, 2 प्लस 4 आ जाएगा। 12 में से माइनस करो 5, 12 माइनस 5 कितना बचा? 7। ठीक है, 7 ही तो बचा, 12 माइनस 5 कितना बचा? 7। अब देखो ये जो ऊपर वाली संख्या, देखो यहां पे 2 आया था ना, मैंने इस 2 को ही तो जोड़ा था यहां पे। देखो अब यहां पे 8 आया तो इस 8 को ही जोड़ूंगा मैं, इसमें 8 को जोड़ूंगा, तो 7 8 15, देखो मुझे 15 मिल गया नीचे, जैसे 4 मिला था वैसे ही आगे। 10 में से माइनस करता हूं, अगर मैं 13 में से माइनस करता हूं 10 को, तो 13 माइनस 10 कितना बचेगा भैया? 3 बचेगा। क्लियर है? 13 माइनस 10 कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 बचाना, अब देखो यहां पे 4 आया है, यहां पे 15 और यहां पे 18, तो मैं इसमें क्या करूंगा? समझ में आया कि नहीं आया? 15, तो 3 में क्या करूंगा? 15 जोड़ूंगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 18। तो मुझे कितना चाहिए? 15। बी ऑप्शन मेरे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नहीं आया समझ में? देखिए फिर से एक बार समझा देता हूं। यहां पे देखो 7 8 को जोड़ा 15, यानी कि 8 7 को मैंने जोड़ा, यहां पे मेरे पास देखो कितना आया था, 12 में से माइनस किया मैंने 5, तो मेरे पास कितना आया? 7। और 7 में मैंने क्या किया, इस 8 को जोड़ा, इस वाली संख्या को जोड़ा। जैसे मुझे यहां पे 2 मिला था ना, 2 में मैंने इस ऊपर वाली संख्या को जोड़ा, ऐसे ही 7 में इस ऊपर वाली संख्या को जोड़ा, ऐसे ही 3 में मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाली संख्या को जोड़ूंगा, तो ऊपर वाली संख्या मेरी 15 आएगी। सभी को क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है सी सेट 2013 का 3377, यानी कि बीच में आप देखोगे तो बड़ी बड़ी संख्या है, और इन बड़ी बड़ी संख्याओं से आपको ये संख्याएं बनानी है। देखिएगा होगा क्या, आपके पास ये जो 3 है और ये जो 7 है, इन्हीं से तो ये बड़ी संख्या बना पाओगे आप, इन्हीं से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूं, अगर 3 की पावर 3 कर देता हूं और 7 की पावर भी 3 कर देता हूं, तो 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, 7 की पावर 3 का मान मैं करूंगा तो 343 होता है, और दोनों को मैं क्या करूं, जोड़ देता हूं, जोड़ देता हूं, तो 27 और 343 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 370 हो जाएगा, जो कि मुझे बीच में दिया गया है, इतना ही होगा। इसका भी फिर क्यूब कर दो, इसका भी कर दो, तो 2 का क्यूब करो 8, 6 का क्यूब करो 216 होता है। ठीक है, अब क्या कर देना, दोनों को जोड़ देना है, तो 216 में 8 जोड़ूंगा, ये 224 हो जाएगा, देखो मुझे पास 224 दिया गया। सेम लॉजिक को आगे बढ़ाइए, इसका भी क्यूब करिए, इसका भी क्यूब करिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 1 का क्यूब करूंगा मैं, 1 ही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क का मैं क्या करूंगा, क्यूब करूंगा, क्वेश्चन मार्क का क्यूब करके इन दोनों को जोड़ूंगा, तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 730 आना चाहिए। यानी कि इस 730 में से इस 1 को घटा दो तो मुझे इसकी वैल्यू पता लग जाएगी, तो क्वेश्चन मार्क की मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 730 में से घटा दूं मतलब 729। ये जो 729 है ये किस संख्या का क्यूब होता है, मुझे यही तो पता लगाना है, तो ये 9 का क्यूब होता है भाई। ठीक है, यानी कि यहां पे मेरे पास कौन सी संख्या आएगी, यहां पे मेरे पास क्या होगा, 9 होगा, और 9 का मैं क्यूब करूंगा 729, और 729 में जोड़ूंगा 1, तो 730 तभी तो आ पाएगा, आएगा कि नहीं? तो मेरे प्रश्न का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन है, 9। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न में आप देखेंगे आपको एक सर्कल दिया गया है, सीजीपीएससी 2016 का ये सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा इस प्रश्न में मैं आपको कुछ नहीं कराने वाला, ये सवाल मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। ठीक है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, सभी के लिए प्रश्न होमवर्क के लिए रहेगा, सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट करेंगे और वीडियो मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।